हरिद्वार पथरी क्षेत्र के गांव के एक चालक ने चार धाम यात्रा के दौरान एक महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। महिला को शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ उत्पीड़न करता रहा। चालक की तलाश में धनपुरा गांव पहुंची महिला के साथ चालक के परिजनों ने मारपीट की। मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस दोनों पक्षों को चौकी लेकर आई। जानकारी के अनुसार चालक महिला को शादी का झांसा देकर 3 साल से उसका उत्पीड़न कर रहा था। इस बीच चालक ने गाड़ी ठीक करने के नाम पर 4.5 लाख रुपए भी हड़प लिए। 2 दिन पूर्व चालक ने महिला को फोन कर हरिद्वार बुलाया। महिला को रेलवे स्टेशन हरिद्वार से रिसीव कर अपने साथ ले आया और हरिद्वार के होटल के कमरे में किराए पर रखा। बृहस्पतिवार को चालक अचानक होटल से चला गया। देर शाम तक जब वह नहीं लौटा तो महिला ने उसकी तलाश शुरू की और धनपुरा गांव पहुंची और चालक के घर पता निकाला। जब महिला चालक के घर पहुंची तो महिला ने पूरी बात परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को लेकर चौकी आई। महिला ने बताया पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है और इलाहाबाद जाने के लिए बोल रही है, वरना वे उसे नारी निकेतन भेज देंगे। मामला ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला वहाँ धनपुरा में आई थी। उसका कहना था कि धनपुरा को एक व्यक्ति है, उसने 4.5 लाख रुपए देने हैं। इसी संबंध में उनके आपस में कहा सुनी हुई है और जहाँ तक तहरीर की बात है, उन्हें ये तहरीर दी है कि मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए आ रही थी, आई हूँ, और वो जिससे पैसे देने थे वो घर पे है नहीं और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। हमारे पास उसके द्वारा जो लिखित में दिया गया है उसको उसने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसने मेरे 4.5 लाख रुपए देने हैं और मैं अपने पैसे लेने के लिए यहाँ आई थी और वो घर पे है नहीं। शारीरिक इस तरह का कोई बात अगर उसके द्वारा कोई तहरीर दी जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी।